मनोकामना श्री हनुमान प्रचार समिति के तत्वावधान में हर वर्ष नवरात्रों में वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इसी कड़ी में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में नवरात्र के पावन पर्व पर पुरोहित हरिदत्त शास्त्री के द्वारा हवन पूजन पूरे वैदिक मंत्र उच्चारण और विधि विधान से संपन्न कराया गया। मां जगदम्बा के दूसरे स्वरूप की उपासना करते हुए पुरोहित हरिदत्त शास्त्री ने बताया कि माता रानी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी भक्तों को सुंदर रूप प्रदान करती है और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन और पूजन से संतान की प्राप्ति का योग बनता है और उसके साथ ही माँ धन्य धान्य से परिपूर्ण करती है। जो भी बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है वे भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना करें, उसकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वैदिक मंत्रों उच्चारण से हवन संपन्न हुआ। अंत में प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान महेंद्र कुमार सिंह रहे, जिन्होंने माँ देवी के दूसरे स्वरूप की उपासना करते हुए पूजा अर्चना की और उपस्थित भक्तगणों ने माँ देवी को मनाया। इस अवसर पर आयोजन में विपिन शुक्ला, शुभम मल्होत्रा, बिल्लू कत्याल, रमेश कपूर, वीपी निगम, राजेंद्र कुमार, प्रणय कुमार गुप्ता, संजय त्यागी एवं चौधरी महेंद्र सिंह, नितिन गुप्ता और अनु अग्रवाल सभी का विशेष सहयोग रहा। लक्ष्मी नारायण नारायण।